स्वागत है सभी किसान साथियों का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंजीनियर टाइप किसानों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इंजीनियर टाइप किसान इसलिए कहा मैंने कि इन किसानों ने साथियों जो कुछ भी इनके पास उपलब्ध संसाधन थे उसका यूज़ करके बहुत ही बढ़िया तरीके से औजार बनाए हैं। तो ऐसे ही हम इस एक किसान साथी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ये जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं साथियों, ये है किर्लोस्कर का मेगा T15 जो 15 हॉर्स पावर का पावर टिलर है साथियों। और हमारे किसान साथियों ने ये जो आप देख पा रहे हैं पीछे जो अटैचमेंट है, ये कपास लगाने का या कपास बुआई करने का औजार आप इसे कह सकते हैं, उसी को मॉडिफाई करके ये पावर टिलर जो है इसके साथ ही अटैचमेंट के साथ अटैच किया है। एक्चुअली जो अटैचमेंट है साथी, ये बैलों की सहायता से चलता था, लेकिन ये हमारे किसान साथी ने इसको मॉडिफाई करके कपास लगाने का जो है अटैचमेंट, ये हमारे साथी अटैचमेंट को लगा दिया है। और बड़े ही अच्छी तरह के तरीके से कपास की बुआई ये कर रहे हैं साथियों। एक्चुअली देखा जाए तो साथियों, जो पावर टिलर है मेगा T15, इसको मॉडिफाई करके कुछ भी अटैचमेंट लगाने में बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है ट्रैक्टर के मुकाबले। इस तरह के अटैचमेंट या फिर इस तरह का मॉडिफिकेशन हम ट्रैक्टर में नहीं कर पाते। और ट्रैक्टर की और इसकी अगर बात करी जाए साथियों, तो ट्रैक्टर का वेट भी बहुत ज़्यादा रहता है और इसका वेट बहुत कम रहता है, लेकिन बहुत ही दमदार मशीन रहता है। तो इस वजह से जो साथियों, ट्रैक्टर का जो बोझ हमारे ज़मीन पर पड़ता है उसकी वजह से जो हमारे बीज रहते हैं, बीज दबने की आशंका ज़्यादा बनी रहती है। और बीज अगर मिट्टी के अंदर दब गए ज़्यादा, तो उसकी बिजाई की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो पावर टिलर है, इसका वेट भी बहुत कम है, इसलिए इसकी सहायता से अगर बुआई करेंगे तो जो बीज निकल के आएंगे वो पूरे 100% निकल के आ जाते हैं। अगर यही काम साथियों हम बैलों की सहायता से करना सोचे तो वहाँ पे हमारा समय भी ज़्यादा लग जाता है और मजदूर भी ज़्यादा लग जाते हैं, ज़्यादा इंसान इस काम के लिए हमें लगने वाले हैं। हालांकि देखा जाए साथियों, तो जो हमारे बैल है उसकी जगह तो कोई ले नहीं सकता, लेकिन हमें परिस्थिति के अनुसार इस तरह के आधुनिक जो औजार रहते हैं पावर टिलर, इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। किर्लोस्कर का कोई भी पावर टिलर रहे या फिर पावर टिलर रहे, इसको अटैचमेंट लगाने के लिए बहुत सारे पोर्ट्स दे रखे हैं साथियों। तो इस वजह से हमें बाज़ार में अगर कोई भी अटैचमेंट हमें मिल जाता है तो उसको आसानी से मॉडिफाई करके हम किर्लोस्कर की इस पावर टिलर या फिर कोई भी पावर टिलर रहे तो उसको बड़ी ही आसानी से हम उसको अटैच कर सकते हैं। और मशीन भी बहुत ही हैवी ड्यूटी रहती है साथियों, और फ्यूल एफिशिएंट मटर और लो मेंटेनेंस रहते किसी किर्लोस्कर सभी मशीन। इस तरह से हमारे इन किसान साथियों ने इनकी बहुत ही महंगी समस्या का हल बड़ा है सस्ते में निकाला है। मैंने पहले भी कहा है साथियों आपसे कि अगर आपकी समस्या महंगी रही तो उसका हल भी महंगा ही होना चाहिए, इस तरह की बात नहीं है कोई। आप इसका सस्ते में भी हल निकाल सकते हैं, बस सोचने की और नज़रिए की बात है। साथियों, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई आइडिया रहे तो आप हमें भेज सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर दूँगा। आपके एक वीडियो से साथियों हमारे दूसरे भी किसान साथियों को कुछ आइडिया मिल जाएगी और उनका भी बड़े बड़े हल। साथियों, अगर इसके बारे में आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव रहे तो कृपा करके आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि हमारे दूसरे भी किसान साथियों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। साथियों, इस तरह के कंप्लीट औजारों की कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम हर बार एक कंप्लीट औजार के पीछे ही नहीं भाग सकते साथियों, तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ ही करना पड़ता है। और इस तरह का अगर कोई जुगाड़ अगर बहुत ही परफेक्ट हो जाए तो अलग बात है साथियों, बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह के कुछ भी आपके पास अगर आइडिया रहे तो आपसे निवेदन है कि ज़रूर शेयर कीजिए, और आपके कमेंट रहेंगे कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और जिस तरह साथियों आप ये देख पा रहे हैं, ये एक दूसरे किसान साथी है जिन्होंने हमें वीडियो भेजा था। आप देख पा रहे हैं साथियों, एक हमारी फेविकॉल की का टंकी है, इसको इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसके जो भी हाउसिंग है पावर टिलर का इसके ऊपर फिट किया है, और जो HTP स्प्रे पंप है उसको भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको यहाँ पर अटैच किया है। साथ ही इसका जो मॉडिफिकेशन है और उसके बाद जो फिटिंग किया गया है बहुत ही प्रॉपर तरीके से किया गया है। तो इस तरह के नए नए आइडियाज़ सीखने के लिए, देखने के लिए कृपया आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को हमारे दूसरे भी किसान साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।